एवरीवन, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में अमृत ब्रिक्स आंदोलन 2024 का फोटो कैसे अपलोड करना है, कौन सा कैमरा यूज करना है, आप लोग को सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो गवर्नमेंट जो आप लोग को प्लान ट्री दिया होगा, गज पुलिस जितना दिया आप लोग उतना ही आप लोग फोटो क्लिक कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो में कौन सा कैमरा यूज करना है, लास्ट डेट कब है आप लोग का, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहले आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे क्लिक कर लेने के बाद सर्च करना है आप लोग को जीपीएस मैप कैमरा। जीपीएस मैप कैमरा को सर्च कर लेने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा जीपीएस मैप कैमरा को। इसके बाद आप लोग को और एक ऐप्स इंस्टॉल करना होगा, अमृत ब्रिक्स आंदोलन। तो अमृत ब्रिक्स आंदोलन ऐप्स भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जीपीएस मैप कैमरा इंस्टॉल हो जाने के बाद आप लोग को अमृत ब्रिक्स आंदोलन सर्च कीजिए आप लोग ऐसे। तो ऐसे सर्च कर लेने के बाद आप लोग को अमृत ब्रिक्स आंदोलन ऐप्स भी इंस्टॉल कर लेना है। तो आप लोग को दो ऐप्स इंस्टॉल करना है, अमृत ब्रिक्स आंदोलन और जीपीएस मैप कैमरा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप लोग को जीपीएस मैप कैमरा पे जाना है। जीपीएस मैप कैमरा पे जब आप लोग जाओगे तो आप लोग को पहले सेटिंग पे जाके लोकेशन को ऑन करना है। लोकेशन ऑन कर लेने के बाद जीपीएस मैप कैमरा ओपन कीजिए। ओपन कर लेने के बाद आप लोग को सेटिंग देखने को मिलेगा लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का जब आप लोग को सेटिंग देखने को मिलेगा, आप लोग इंग्लिश में डाल लीजिएगा। जब आप लोग इंग्लिश में क्लिक करोगे तो आप लोग को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर लेने के बाद आप लोग का ऐसे ओपन होगा। जब आप लोग ओपन हो जाएगा नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ओपन होगा तो लोकेशन एक्सेस में क्लिक करना है। लोकेशन एक्सेस में क्लिक कर लेने ओके में क्लिक कर लेना है। व्हाइल यूजिंग दिस एप्स ओनली दिस टाइम और डोंट अलाउ, ये तीन आएगा। तो व्हाइल यूजिंग दिस एप्स पे क्लिक कर लेना है आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन में। ये क्लिक कर लेने तो कैमरा भी एक्सेस करना है। व्हाइल यूजिंग दिस एप्स पे क्लिक करना है, यूजिंग द एप्स। इसके बाद फोटो लाइब्रेरी एक्सेस पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। ये तीनों अलाउ कर लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद उसमें नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग ओपन हो जाएगा कैमरा। तो अभी ये नेट लोडिंग हो रहा है तो कैमरा आप लोग का ओपन हो जाएगा। आप जब लोकेशन ऑन करोगे तो आप लोगों को कैमरा देखने को मिलेगा। इसे कैमरा पे आप लोग को एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड सब देखने को मिलेगा, विलेज। तो आप लोग को कैमरा में खींच लेना है फोटो। फोटो क्लिक कर लेने के बाद प्लान ट्री का, इसके बाद आप लोग अमृत ब्रिक्स आंदोलन ऐप्स पे जाना है। जाने के बाद होम और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे आप लोग को क्लिक करना है। नीचे पे लॉगिन पे जब क्लिक करोगे आप लोग का लॉगिन फॉर्म आएगा। जब लॉगिन फॉर्म आएगा तो आप लोग को थ्री फॉर्म फिलअप करना होगा, यानी कि मोबाइल नंबर और ओटीपी और कैप्चा। तो पहले आप लोग का मोबाइल नंबर जो आप लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल नंबर जो दिया था अमृत ब्रिक्स आंदोलन पे, वही मोबाइल नंबर डालना है आप लोग को। डालने के बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, ओटीपी सक्सेसफुल बोलेंगे मिलेगा, ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डाल देने के बाद आपको कैप्चा डालना होगा, सिक्स डिजिट नंबर का कैप्चा होगा। उधर सिक्स डिजिट नंबर का कैप्चा डाल देने के बाद आप लोग को लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो आप लोग को मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद ओटीपी डालना है, इसके बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल देने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लोग का कैटेगरी देखने को मिलेगा, कैटेगरी आप लोग का फुल नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया जाएगा उधर। तो ये हो जाने के बाद आप लोग को अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। जब आप लोग अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग को सिलेक्ट प्लान, अपलोड योर प्लान, ओपन कैमरा, ओपन गैलरी, अपलोड देखने को मिलेगा तीन। तो ये जब आप लोग इसे देखने को मिलेगा तो आप लोग को लोकेशन ऑन है कि नहीं है वो चेक कर लेना है। तो आप लोग जब फोटो अपलोड करोगे ना तो आप लोग का लोकेशन ऑन होना होगा। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, तो आप लोग का लोकेशन ऑन होना पड़ेगा जैसे भी। तो लोकेशन ऑन कर लेने के बाद आप लोग को सिलेक्ट प्लान पे क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट प्लान पे आप लोग का जो प्लान ट्री का नेम है ना वही देना है। बोगीपोमा है तो बोगीपोमा देना है, दूसरा उल्टा पुल्टा प्लान ट्री का नेम नहीं देना है। बोगीपोमा है तो बोगीपोमा दे दीजिए। इसके बाद आप ओपन गैलरी में क्लिक कीजिए। ओपन गैलरी पे क्लिक कर लेने के बाद ना आप लोग का ऐसे आएगा फोटो। जब फोटो ऐसे आएगा तो आप लोग फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप लोग जीपीएस मैप कैमरा से फोटो क्लिक किया था ना वो फोटो आप लोग डाल दीजिएगा क्लिक करके। प्लान सेलेक्ट प्लान ट्री, सेलेक्ट प्लान ट्री सेलेक्ट कर लेने के बाद ओपन गैलरी में क्लिक कर लेने के बाद ऐसे आप लोग को फोटो पे क्लिक करना है, जो आप लोग जीपीएस मैप कैमरा से फोटो क्लिक किया था। क्लिक कर लेने के बाद तो आप लोग का फोटो आप लोग क्लिक कर लेने के बाद अपलोड कर देना है। जब आप लोग अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप लोग का फोटो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद आप लोग का इमेज सक्सेसफुल बोल के आएगा, योर प्लान आईडी बोल के आएगा। वो प्लान आईडी आप लोग का रेड कलर से 8 डिजिट देखने को मिलेगा, उसको आप लोग स्क्रीन शॉट मार लेना है, रख लेना है।
आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लेना है वो योर प्लान आईडी का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेने के बाद आप लोगों में आप लोग का हो जाएगा सब प्रोसेस। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ लास्ट डेट कब है। तो इसका लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024 तक। तो आप लोग 15 अगस्त 2024 तक प्लान ट्री का फोटो अपलोड कर सकता है। आई होप आप लोग को इस वीडियो पे समझ पे आया होगा कैसे प्लान ट्री फोटो अपलोड करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को मैंने डिटेल्स में बता दिया कैसे आप लोग को अमृत वृक्ष आंदोलन का फोटो कैसे अपलोड करना है। तो आप लोग को मैं वीडियो के नीचे में जाना, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लिंक में आप लोग को मैं GPS मैप कैमरा और अमृत वृक्ष आंदोलन का लिंक दे दूंगा। लिंक में क्लिक करने के बाद आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वो दो ऐप्स को। वो दो ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, GPS मैप कैमरा और अमृत वृक्ष आंदोलन। और आप लोग का लास्ट डेट है अमृत वृक्ष आंदोलन का 15 अगस्त। तो आप लोग को मैंने बता दिया लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और आप लोग का जितना प्लान ट्री है ना, गवर्नमेंट जो जितना प्लान ट्री दिया होगा इतना ही प्लान ट्री का आप लोग कैमरा से खींच लीजिएगा, GPS मैप कैमरा से इतना ही खींच लीजिएगा। प्लान ट्री जितना दिया, दो है तो दो खींचिएगा, चार दिए तो चार खींचिएगा, और पुराना भी जो गवर्नमेंट जो दिया होगा वो भी खींचिएगा। तो मैं हम लोग का 6 था तो मैंने 6 खींच के अपलोड कर लिया। तो आप लोग ऐसे करके अपलोड कर सकते हैं। आप लोग को जाना है GPS मैप कैमरा पे, इसके बाद GPS मैप कैमरा का लोकेशन ऑन करके आप लोग को क्लिक करना है, फोटो को क्लिक कर लेना है। अमृत वृक्ष आंदोलन पे ऐप्स पे जाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और आपको OTP मिलेगा। इसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा, वो कैप्चा डाल देने के बाद आपको सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करना है। सेलेक्ट प्लान पे क्लिक कर लेने के बाद आपको ओपन ग्लेरी पे क्लिक करना है। इसके बाद जो GPS मैप कैमरा से फोटो क्लिक किया था वो कैमरा वो ढाल के आप लोग को अपलोड दे देना है। अपलोड हो जाने के बाद आपको प्लान लिस्ट भी देख सकते हैं आप लोग, कितना टाइम को अपलोड किया था सब कुछ उधर डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। और योर प्लान आईडी आपको खींच लेना, योर प्लान आईडी 8 डिजिट का है, स्क्रीनशॉट ले लेना है वो आईडी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अमृत वृक्ष आंदोलन का फोटो कैसे अपलोड करना है। तो आप लोग को मैंने डिटेल्स में बता दिया कैसे आप लोग को अपलोड करना है फोटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।